विरोध कर रहे थे कि आप 150 का 150 क्वेश्चन को एक समान मार्क्स में रखिए कि सबके लिए एक समान मार्क्स हो, और आपको जितना टफ क्वेश्चन पूछना है उतना टफ पूछिए, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछना है पूछिए, लेकिन सब क्वेश्चन का मार्क्स बराबर होना चाहिए और ई ऑप्शन को हटाया जाए। ई ऑप्शन में दो ऑप्शन रहता है, इसलिए ई ऑप्शन को हटाया जाए और इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाए, मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, और 68वीं बीपीएससी जो 8 जनवरी को निर्धारित है उसका डेट आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 29 से लेकर 2 जनवरी तक 67वीं मेंस की परीक्षा है। देखिए बीपीएससी में सुधारों की बात कल कही गई अध्यक्ष महोदय के द्वारा विभिन्न चैनलों पे, और उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आई, तो बहुत सारी सुधारें हैं जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं, उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे थे। उसमें पहली बात थी कि इन्होंने कहा कि 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, स्टार मार्क वाले होंगे, और उसमें निगेटिव मार्किंग होगा, तो ये डिसाइड कैसे होगा, और 100 प्रश्न ऐसे जनरल होंगे, तो 150 में से 50 क्वेश्चन ये कैसे पता चलेगा कि कौन ईजी है कौन कठिन है। किसी के लिए हो सकता है ईजी क्वेश्चन, मेरे लिए ईजी हो, आपके लिए वो कठिन हो सकता है, जो मैथ्स से ग्रेजुएशन किए होंगे, पीजी पीएचडी किए होंगे, उनके लिए मैथ्स का सवाल आसान हो जाएगा तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे थे कि आप 150 का 150 क्वेश्चन को एक समान मार्क्स में रखिए कि सबके लिए एक समान मार्क्स हो, और आपको जितना टफ क्वेश्चन पूछना है उतना टफ पूछिए, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछना है पूछिए, लेकिन सब क्वेश्चन का मार्क्स बराबर होना चाहिए और ई ऑप्शन को हटाया जाए। ई ऑप्शन में दो ऑप्शन रहता है, इसलिए ई ऑप्शन को हटाया जाए और इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाए, मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, और 68वीं बीपीएससी जो 8 जनवरी को निर्धारित है उसका डेट आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 29 से लेकर 2 जनवरी तक 67वीं मेंस की परीक्षा है, तो समय नहीं बचता, इसलिए हमने कहा कि 67वीं मेंस के कम से कम 20-25 दिन बाद 68वीं पीटी होनी चाहिए। उसके बाद अध्यक्ष महोदय का जवाब आया है कि हम सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे, ऑनलाइन जो फॉर्म भराया जाएगा उसमें ऑनलाइन फीडबैक लेंगे, उसके बाद जो भी छात्र कहेंगे उस पर हम लोग करेंगे। इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बात भी उन्होंने कही, इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे से इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग 67वीं से इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं, इस पर हम विचार कर रहे हैं अपने टीम के साथ। इसके अलावा ई ऑप्शन पर भी विचार किया जा रहा है, और मेंस में भी जो कोई सब्जेक्ट कभी बूम कर जाता है, कभी किसी से रिजल्ट ही नहीं आता है, तो इस पर भी विचार किया, यानी जितना भी हम लोग का मुद्दा था इन्होंने कहा हम सब पे विचार कर रहे हैं, और खासकर इंटरव्यू में जो धांधली होती है तो उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी बात इन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, और मेंस की कॉपी या पीटी का ओएमआर सीट की कॉपी जो रखी जाती है स्ट्रांग रूम में, तो वो जो बाहर ले जाकर लिखवाया जाता है तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी, स्मार्ट लॉक लगा रहेगा, और भी बहुत सारा उपाय इन्होंने बताया कि हम लोग कर रहे हैं, जो अगर कोई कैमरा ऑफ करके भी अगर चाहेगा कि अंदर से हम निकाल ले तो वो पता चल जाएगा स्मार्ट लॉक के द्वारा, तो ये सब सुधार होगा। और हम लोग का जो मांग था कि निगेटिव मार्किंग आप 50 क्वेश्चन पे कीजिएगा तो ये नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि स्टूडेंट से हम फीडबैक लेंगे कि 150 का 150 क्वेश्चन निगेटिव कर दें और एक समान मार्क्स का सभी क्वेश्चन रहेंगे, या फिर 50 क्वेश्चन निगेटिव जिसमें 50 टफ क्वेश्चन रहेंगे, तो ये अब स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाएगा, और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम यही उम्मीद करेंगे, अपील भी छात्रों से करेंगे कि आप जैसा चाहते हैं आप निश्चित रूप से फीडबैक दीजिएगा बीपीएससी को, जब ये फीडबैक मांगेंगे आपसे ऑनलाइन ही मांगेंगे तब दीजिएगा, लेकिन इतना जरूर है कि छात्र हित के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, जिस तरह से परसेंटाइल को वापस करना पड़ा, 2 शिफ्ट में एग्जाम को वापस लेना पड़ा, वैसा कुछ भी अगर छात्र हित के खिलाफ किया जाएगा काम तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और पटना में आंदोलन करेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि छात्रों से भी राय लेंगे और इन सब मुद्दों पर विचार करेंगे। जो कुछ बाहर जो खबरें गई है वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया है, जैसे कि ये एक और बात थी कि क्वेश्चन का जो है सो प्रिंटिंग किया जाएगा पीटी का, तो उन्होंने कहा कि पीटी के बात हमने नहीं कहा था, मेंस का बात किया था कि लिखित परीक्षा मेंस की होगी उसका जो है क्वेश्चन का प्रिंटिंग होगा सेंटर पे, पीटी का नहीं होगा, पीटी का जैसे हो रहा वैसे ही चलेगा, मेंस का सिर्फ सेंटर पे प्रिंटिंग होगा, और ये सिर्फ एक ट्रायल होगा, एक देखा जाएगा कि अगर अच्छा से हो रहा है तो आगे लागू किया जाएगा, लेकिन आगे लागू ही होगा इसकी कोई अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इतना बात हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने कहा है कि छात्र हित के साथ आप जो काम कीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन छात्र हित के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। धांधली वाली बात एक्सेप्ट किया उन्होंने, आपने जो कहा कि धांधली की शिकायत होती थी, बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग की बात उन्होंने स्वीकार किया है, और स्ट्रांग रूम जहाँ पे ओएमआर सीट और मेंस की कॉपी रहती है उसमें स्मार्ट लॉक और सीसीटीवी कैमरा लगा है, और मीडिया के लोग भी चाहेंगे तो जाके देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए खुला है,
जब चाहे आके वो देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम में क्या हो रहा है। उनके लिए अलग अलग रूम बना है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा का डिस्प्ले लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो भी मीडिया बंधु जाना चाहे परमिशन लेके आप वहाँ जा सकते हैं।